नमस्ते मित्रों, नीरल बिजनेस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप कैंडल मेकर है तो आपको ये मेरा नया कोर्स कुछ काम में आएगा। इसमें हम इसको व्हिप्ड सोया वैक्स कैंडल कहते हैं। आप कैंडल बनाना जानते हैं, यानी कैंडल का आपका मास्टर ही है समझ लो। तो कुछ टिप्स मैं ऐसे दे सकता हूँ जिससे आप इसको व्हिप्ड वैक्स कैंडल बना के मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो व्हिप करना एक स्किल वर्क है, जो लोग केक को डेकोरेट जानते हैं वो ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक वापर के आप भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक मेरा छोटा सा नया कोर्स है, आप चाहे तो उसको पेड करके ले सकते हैं, जिसमें हम सोया वैक्स को व्हिप करके कुछ क्रिएटिविटी करके उसको नया तरीके से बेच सकते हैं। तो वो क्या है, तो फॉर एग्जांपल ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारा सोया व्हिप्ड वैक्स है। इसमें ये कैंडल मैंने मोल्ड से बनाया है, अंदर जो है वो सोया वैक्स को व्हिप करके भर डाला है। वही टिप्स आपको मिलने वाला है कि कैंडल कौन सा यूज करना। ये पैराफिन वैक्स से कैंडल बनाया है जिसमें हमने स्पेशल मोल्ड यूज किया है। तो ये हमारा मोल्ड है, ये मेरा कोड नंबर है SL581। तो ये मोल्ड से मैंने ये कैंडल बना ली जिसमें व्हिप का शेप दिखता है। ये कप ले लिए जिसमें यहाँ व्हिप सोया वैक्स भर दिया, साइड में कुछ डेकोरेशन के लिए बॉल भर दिए, कलर बॉल, वो भी केक मटेरियल में डेकोरेशन में काम में आता है। तो ये मेरा एक नया वेरिएशन हो गया, सोया वैक्स व्हिप्ड कैंडल। तो जिसमें आपको व्हिप करने का नॉलेज बिल्कुल नहीं, एक ट्रिक से हमने ये कैंडल बना लिया जिसको इसमें इंसर्ट कर दिया है, और ये व्हिप करना भी सिंपल है। तो वो स्टेप आपको मेरे कोर्स में मिलेगा। अब जैसे आपने ये एक एग्जांपल देखा, वैसे हम इसको और भी बड़ा बना सकते। तो ये हमने बड़ा बनाया है, सेम वही कैंडल यहाँ यूज किया है। ये व्हिप्ड वैक्स है, ये कैंडल मेरा सिलिकॉन मोल्ड से बना है। हमारे कौन से मोल्ड है वो नंबर आपने देख लिया है, उसी से हम इसको बना सकते। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते। अभी कैंडल हर लोग यूज करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ चेंजिंग भी मांगते रहते। तो पहले प्लेन कैंडल चलता था, फिर फ्लोटिंग बनाया, फिर पिलर बनाया, फिर जेल बनाया, फिर ग्लास जार बनाया। तो ऐसे चेंज होते रहता है, सोया वैक्स करते, बीज वैक्स बनाते। तो इस तरह सोया वैक्स को व्हिप करके भी लोग कैंडल में कहाँ भी यूज करते, जो फिर एक स्किल हो गया उनका। लेकिन वो टिप्स और ट्रिक्स हम आपको देंगे मेरे कोर्स में, तो आप भी इसको कुछ अपने क्रिएशन से कर सकते। अभी ये जरा बड़े साइज के, आप छोटे साइज के बनाओ, यानी ये समझो मेरे बड़े साइज है, आप छोटे साइज बनाओ। तो ऐसे कुछ मोल्ड आते हैं, अभी समझो ये मेरा मोल्ड है, तो ये छोटी कैंडल बना ली हमने। कैंडल बनाना आप जानते, और यदि नहीं भी जानते तो कैंडल मेकिंग का मेरा सेपरेट कोर्स है, उसका अलग चार्ज रहता है, जो फिर आपको मैं कैटलॉग व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। तो अभी आप कैंडल बनाते हैं, तो मेन मेरी बात यह है कि ये कैंडल आपने समझो बना लिया, इसको व्हिप करके रखना है। तो ये हमने इधर रख दिया, ये ग्लास जार ले लिया, यहाँ व्हिप वैक्स भर दिया, ऊपर एक कैंडल बिठा दिया। आपके लिए क्रिएटिविटी हो गई, कस्टमर के नया वेरायटी हो गया, और ये व्हिप दिखना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अनइवन भी दिखेगा तो भी चलता है कि हम इसको व्हिप्ड कह सकते। तो यहाँ मेरा व्हिप्ड का पार्ट है जो कोर्स में आपको मिलेगा। कैंडल आप बनाते तो ये क्रिएटिविटी आपका हो गया, और ये डेकोरेशन मॉडल जो भी है केक डेकोरेशन में मिल जाता है, तो ये भी हम कर सकते। अभी समझो कभी कोई ऐसा फेस्टिवल रहता है, वैलेंटाइन डे रहेगा, तो अब ये भी कैंडल बना लो। ये हमारा मोल्ड है जिसमें ये कैंडल बना है, इसको इंसर्ट कर दो, आपका वेरायटी चेंज हो जाएगा। तो कैंडल का नॉलेज आपको है, उसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा कोर्स है जिसका मैं डिटेल्स आपको भेज रहा हूँ। तो ये कोर्स से हम बदली कर सकते, कहने के लिए मॉडिफिकेशन कर सकते। अभी कभी कभी लोग इसको ऐसा ग्लास जार में भी भरते, सेम वही है। ये मेरा स्ट्रॉबेरी का कैंडल है जिसके लिए हमारा ये मोल्ड यूज होता है, जिसमें छोटा स्ट्रॉबेरी कैंडल आप बना लो।
छोटी साइज का एक कैंडल है। अभी स्ट्रॉबेरी के लिए कलर आपने यूज किया, ये बना लो, ये व्हिप्ड वैक्स अपने को बनाना है तो स्ट्रॉबेरी के कलर के लिए उसमें वो डाल दो। यहाँ मैंने रेड कैंडल बनाया, यहाँ पिंक ये बनाया, इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्रेग्रेंस डाल दिया, तो ये मेरा सोया वैक्स व्हिप्ड कैंडल बन गया। अभी जब लोग इसको बर्न करेंगे तो स्ट्रॉबेरी का फ्रेग्रेंस उनको मिलेगा, वो आपने क्या ऐड किया उस पर भी डिपेंड करता है। या एक कैंडल पड़ा भी रहेगा तो स्ट्रॉबेरी का फ्रेग्रेंस आपने अच्छा यूज किया तो सुगंध आते रहेगा। या थोड़ा साइकोलॉजी भी होता है कि अरे हाँ ये स्ट्रॉबेरी है, उससे भी लोग इसको एक्सेप्ट करते। तो कोर्स में आपको क्या डिटेल्स मिलेगी, तो आप कैंडल बनाना जानते हैं, आपको क्या करना है सोया वैक्स को व्हिप करना है। व्हिप कैसे करना ये मेरा कोर्स और वीडियो में रहेगा। वो व्हिप किया हुआ सोया वैक्स इसमें भर डालो, समझो आपने यहाँ भर डाला, डेकोरेशन के लिए थोड़े कलर बॉल वगैरह डाल दिए, फिर ये कैंडल आपने पैराफिन वैक्स से बना के रखा है, आप जो भी चाहे वो यूज कर सकते। ये कैंडल हम लोग ये व्हिप भरने के बाद इस तरह इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमारा विविध सोया वैक्स रहेगा, ऊपर ये रखेंगे और कस्टमर को इसका नोवेल्टी कुछ भी दिखेगा। तो यही स्टेप से मैंने ये कैंडल बनाया है जो आप देख रहे हैं। यहाँ मैंने वैक्स कैंडल बड़ा यूज किया है, सेम स्टेप हमने यहाँ यूज किया है, यही कैंडल हमने यहाँ डाल दिया है। ये आप देख रहे हो स्ट्रॉबेरी, तो वो भी वही कैंडल इसमें है। तो आपका जो नॉलेज है मेरे कोर्स में जो टिप्स है वो यही रहेगा कि व्हिप्ड कैसे बनाना, इसमें आपने भर दिया, ये बिठा दिया, उसका छोटा सा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और वैसे कोर्स भी मेरी ज्यादा है लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा कम रखा है, तो जो मैंने नोटिफिकेशन आपको लिख के दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कैंडल मेकर है, कुछ नया कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते तो ये भी एक स्टेप आप कर सकते। इसके अलावा मेरे पास और भी कई सारे कोर्स है कैंडल रिलेटेड, कैंडल बनाने वाले के लिए भी है, एक नया है जो कोर्स, एक कोर्स जो नया आते हैं कैंडल के लिए उनको भी काम में आता है, जो एकदम न्यू कमर है उनको भी लिए एक कोर्स है, तो वो सीखने पर तो आगे और भी ऐड कर सकते। तो ये कोर्स में आपको इंटरेस्ट रहेगा तो मेरे को व्हाट्सअप करो, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट जल्दी जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया कुछ अलग करें और अपने बिजनेस में आगे बढ़े। इसके अलावा आप जानते होंगे नीरल बिजनेस इंस्टीट्यूट में छोटे मोटे कई बिजनेस सिखाए जाते हैं, जैसे अगरबत्ती है, मेनबत्ती तो है ही, अगरबत्ती है, फिनाइल है, स्प्रे बॉटल है, ग्लिसरीन सोप है। तो आप कुछ नया कोर्स और भी ऐड करना चाहते हैं तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट और हैप्पी बिजनेस, आप आगे बढ़ो, बिजनेस करो और आगे बढ़ो, और आपके साथ आपके फैमिली में भी किसी को इन्वॉल्व करके उनको भी बिजनेस में एंटर करो। थैंक यू।